अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 11 की आपकी जो है फॉर्म लिस्ट 2 आ गई है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो इसमें सबसे पहले बॉयज़ की बात करेंगे साइंस में, उसके बाद फिर आगे की नेक्स्ट वीडियो में आपकी साइंस की गर्ल्स की और बॉयज़ एंड गर्ल्स की ह्यूमनिटीज़ और कॉमर्स की बात करेंगे कितनी वेटिंग क्लियर हुई है। सबसे पहले बॉयज़ की बात करते हैं साइंस में, तो इसमें आप देखेंगे कि बहुत कम सीट्स की लिस्ट आई है। इसमें आपका अपग्रेडेशन की भी लिस्ट है, इसमें नीचे ही ये आपके जो भी अपग्रेड हुए हैं रोल नंबर के साथ, यहाँ पे जो भी स्कूल अलॉट किया गया है अपग्रेड होने के बाद, यहाँ पे आपको दिख जाएगा साइंस में। लेकिन आपको जो क्लियर हुई है सीट्स, वेटिंग जो क्लियर हुई है काफ़ी कम क्लियर हुई है। फर्स्ट लिस्ट में आप देखेंगे तो काफ़ी वेटिंग क्लियर हो गई थी, उसके अकॉर्डिंग अगर सेकेंड लिस्ट में देखा जाए तो वेटिंग कम क्लियर हुई है बहुत ज़्यादा। ये है, ऐसा नहीं है, ऐसा लग रहा है इस बार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने एडमिशन ले लिया है। जितने बच्चों ने काउंसलिंग की थी सभी ने एडमिशन ले लिया है। लास्ट ईयर में देखा जाए तो सेकेंड लिस्ट में भी वेटिंग क्लियर हुई थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस बार काफ़ी कम वेटिंग जो है इसमें क्लियर हुई है, और कैटेगरी में तो ना के बराबर क्लियर हुई है। कितनी वेटिंग क्लियर हुई है इसका देखा जाए डिटेल, तो जनरल की वेटिंग की बात की जाए तो आपकी 93 वेटिंग तक जनरल की क्लियर हो गई, जिसकी 93 वेटिंग की उसका सिलेक्शन यहाँ पे हो गया। उसके बाद बीसी कैटेगरी में एक भी वेटिंग क्लियर नहीं हुई है, और वेटिंग क्लियर हुई है तो काफ़ी नीचे की शायद क्लियर हुई है, लेकिन इसमें वेटिंग क्लियर नहीं हुई है बीसी कैटेगरी में। सी कैटेगरी में सिर्फ आपकी 4 या 5 वेटिंग क्लियर हुई है, 1116 यानी 116 तक जिसकी वेटिंग थी उसकी क्लियर हो चुकी है सेकेंड फॉर्म लिस्ट में, और बहुत कम हुई है। अगर आप फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में देखेंगे तो 100 क्रॉस कर दिया था, और सेकेंड फॉर्म लिस्ट में सिर्फ 3 या 4 वेटिंग इसमें क्लियर हुई है, तो ये भी बहुत कम है। और उसके बाद सी ए कैटेगरी में 87 वेटिंग तक बॉयज़ में क्लियर हो गई है। एस सी कैटेगरी का एक भी स्टूडेंट नहीं है सेकंड फॉर्म लिस्ट में, डी एस कैटेगरी का भी एक भी स्टूडेंट नहीं है, जबकि डी एस कैटेगरी में काफ़ी वेटिंग जो है क्लियर हुई थी। एन सी कैटेगरी का एक भी स्टूडेंट नहीं है, सी जी कैटेगरी का एक भी नहीं है, एस टी और पी एच कैटेगरी को भी एक भी स्टूडेंट नहीं है। पी एच कैटेगरी का शायद है सिलेक्टेड वाले, लेकिन सिर्फ आपको 3 कैटेगरी में सीट वेटिंग क्लियर हुई, एक जनरल कैटेगरी में 93, सी ई में आपकी 116 और सी ए कैटेगरी में 87, ये 3 वेटिंग क्लियर हुई है। और एक भी वेट पूछेंगे कि इसके पीछे का रीज़न क्या है जो इतनी कम वेटिंग क्लियर हुई है बहुत, तो उसके पीछे का रीज़न सिर्फ यही है कि इस बार एमयू ने स्कूल बहुत जल्दी ओपन कर दिए। आपकी फर्स्ट फॉर्म लिस्ट आई उसके शायद ही 1 वीक हुआ होगा कि आपकी जो है स्कूल ओपन कर दिए, तो जैसे ही फर्स्ट फॉर्म लिस्ट आई सब ने जो है अपना ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिया, ऐसे सब ने जो है एडमिशन ले लिया और किसी ने भी एडमिशन कैंसिल नहीं करवाया। लेकिन लास्ट ईयर काफ़ी लेट हुआ था, तो ऐसे में काउंसलिंग करने के बाद बहुत से स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया था, लेकिन इस बार लोगों को पता था कि ऑफलाइन ही क्लासेस होंगी, ऑनलाइन होंगी नहीं। लास्ट ईयर ये था कि आपका एडमिशन होगा उसके बाद आपको ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा, तो काउंसलिंग करने के बाद स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया था, लेकिन इस बार काउंसलिंग करने के बाद जिसका फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में नाम आ गया उसने एडमिशन ले लिया, क्योंकि उसको पता था कि इस बार ऑफलाइन ही क्लासेज होंगी। ये एक वजह है कि शायद बहुत कम वेटिंग क्लियर हुई है, आपकी कोई कैटेगरी में वेटिंग भी क्लियर नहीं हुई। आप ये जब देख सकते हैं यहाँ पे, तो सिर्फ जनरल में 93 और उसमें भी बहुत कम स्टूडेंट्स की हुई वेटिंग क्लियर हुई है, और सी और सी ए में भी बहुत कम वेटिंग क्लियर हुई, क्योंकि स्टूडेंट्स की लिस्ट में नाम ही देखेंगे आप, बहुत कम बच्चों का नाम आया है सेकेंड फॉर्म लिस्ट में फर्स्ट फॉर्म लिस्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में तो बहुत सारी लिस्ट आई थी, और इसमें आपकी सिर्फ एक लिस्ट आई है एक अपग्रेड। आपका कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप लोग जो है इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से लिंक से आप जो है इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। और बात करें थर्ड फॉर्म लिस्ट की, तो लग नहीं रहेगी थर्ड फॉर्म लिस्ट आएगी, क्योंकि इसमें सीट्स बहुत कम बची हैं अब, और ऐसे में ये वो स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने सेकंड राउंड में प्रोसीड पे क्लिक किया होगा, यानी इनको एडमिशन लेना होगा सेकंड राउंड में। आपको पता होगा कि सेकंड राउंड में प्रोसीड पे क्लिक करना था, तो ऐसे में जिसने प्रोसीड पे क्लिक किया होगा यानी उसको एडमिशन भी लेना होगा, तो सेकंड राउंड में लग नहीं रहा कि अब सेकंड फॉर्म लिस्ट में कोई भी एडमिशन छोड़ेगा, और थर्ड फॉर्म लिस्ट आने के चांसेस हैं। लास्ट ईयर थर्ड फॉर्म लिस्ट आई थी लेकिन बहुत कम बच्चे थे उसमें, 4 या 5 स्टूडेंट्स थे, तो ऐसे में इस बार भी लग नहीं रहा है कि आपकी लिस्ट आएगी, लेकिन अगर आएगी तो आपकी जो है इसमें जनरल में हो सकता है 1-2 वेटिंग क्लियर हो जाए, और सी कैटेगरी में 1-2 वेटिंग क्लियर हो सकती है। कुल मिला के 4 या 5 स्टूडेंट्स की लिस्ट थर्ड लिस्ट आ सकती है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। तो जैसे ही लिस्ट आएगी आपको इसी चैनल पर अपडेट